नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज से लेकर अगले 3 दिनों तक में मेष राशि वाले जातकों का दिनचर्या कैसे रहने वाली है और किन किन चीजों से आपको लाभ मिलने वाली है और किन किन चीजों से आपको सावधान रहना है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को पूरे अंत तक देखें और वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय श्री हनुमान। और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें कि ताकि रोजाना राशिफल आपको समय समय पर मिल सकें। आप भी अपने अली भी और आप खोए रहेंगे और दिन मित्रों के साथ आनंददायक भेंट भी हो सकते हैं। घर में महत्वपूर्ण कार्य में मुख्य रोल भी निभाना भी पड़ सकते हैं। आप वाणी और अपने व्यवहार से पार्टनर्स के मन भी मोह लेंगे। फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए भी उसे और उस पर ज़्यादा खर्च भी कर सकते हैं और आय में अधिक धन की व्यय भी हो सकते हैं। समय का सदुपयोग करें, दोस्तों के साथ मिलकर कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। आप अपने बेहतर प्रतिभा को दिखाते हुए अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सकारात्मक रहे तथा कुछ समय प्राकृतिक शांत में भी और व्यतीत भी आपको करने होंगे और आपके भी द्वारा की कोई भी यात्रा और उम्मीद से ज़्यादा महंगी साबित हो सकती है। यात्रा के दौरान अपने सम्मान के भी नज़रअंदाज भी ना करें तो बेहतर भी आपके लिए रहने वाली है। और आप सभी और मेष राशि वालों, आपके लाभदायक दिन रहने वाले हैं। आपको अपने कामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको संतान के मन में और चल रही उलझनों से दूर भी करने की कोशिश करना भी होगा, नहीं तो वह आपसे नाराज भी में रहेंगे और आपके किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद भी मुलाकात होंगी। आपको भी अपने साथी से भी और अपने मन की बात को कहने का मौका मिलेगा। विरोधी आपसे किसी बात को लेकर वाद विवाद में पड़ भी सकते हैं। आपके घर में किसी नए मेहमान के भी आगमन हो सकते हैं। किसी दूर रह रहे परिजन से आपको भी कोई भी शुभ सूचनाएं सुनने को मिल सकते हैं। आप अपने बिजनेस में धन लगाएंगे जिनका भविष्य में आपको लाभ भी अविष्ट आपको मिलने की संभावनाएं अच्छी तरह से रह पाएंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए भी आज से लेकर अगले 3 दिन में आप के लिए भी सूझबूझ से पैसा उड़ान भी और अन्यथा सहज सहज भी स्थिति का सामना करना पड़ सकते हैं। वाणी व्यवहार में नीति नियम का संतुलन बनाए रखें। आर्थिक मामले भी मेहनत से परिणाम पाएंगे। ईश्वर गतिविधियों में सक्रियता आएंगी। अपनों के लिए क्षमता पर अधिक करने के भाव रहेगा। सतर्कता लंघन से स्थिति सुधार साधने वाली है। काम काज में से खर्च निवेश से अधिकता बनी रह सकती है। अफवाह में नहीं आएंगे। चुनौतियों का सामना सांस से भी करेंगे। बजट का अंकुश बनाए रखने का प्रयास करें। काम काज लापरवाही बरतने से बचें। समझदारी से जिम्मेदारी को भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण मामले में स्मार्ट वर्किंग पर भी और जोर रखेंगे। घर परिवार में संभव सुविधाएं भी बढ़ाने का प्रयास रहेगा। काम काज सहयोगियों से तालमेल बढ़ेगा। कार्य योजना पर अमल बढ़ाएंगे। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होंगी और प्रेम के सने के मामलों पर धैर्य की स्थिति आपके ऊपर बनाए रखें और आज संबंधों में साधारण बनी रहेंगी। विभिन्न मोर्चों पर भी सावधानी बनाए रखें। विपक्षी सक्रियता पर भी आप पर दबाव बनाए रख सकती हैं। लोगों की प्रतिभा भी नहीं होंगी और जोरी और कार्य पर भी और अपने प्राथमिकता में बनाए रखें। सो आपके लिए विविध संभावना में उत्साहित रहने वाले हैं। सहकर्मियों के साथ बनाए रखेंगे और मामलों में अस्पष्टता बनाए रखें। नजरिया बढ़ा रखें और व्यवस्था पर अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखें। जिद में जल्दबाजी से बचें।